व्यवहार दोस्तों, अभी चल रहे हैं खेत जोतवाने के लिए। और हमारा खेत जंगल क्षेत्र में पड़ता है, क्योंकि पूरा झारखंड में भी तो पहाड़ी से घिरा हुआ प्रदेश है। और इसी तरह हम लोग का भी खेत पूरा जंगल में पड़ता है। जा रहे हैं अभी जोतवा देते हैं, उसके बाद दूसरे जगह पहले से जोतवाए हैं जहाँ का बिचड़ा भी तैयार हो चुका है, फिर लौट के चलेंगे वहाँ। आज धान रोपाई शुरू करवाना है, आज पहला धान रोपा शुरू करवाएंगे, रोपेंगे। और बिचड़ा भी चूँकि वहाँ से उखाड़ना पड़ेगा तो यहाँ जोतवा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे उसी खेत में जहाँ आज रोपनी करवाना है। तो अभी जोतवा देते हैं, क्योंकि पानी हो गया है खेत में, इसलिए अभी जोतवा के छोड़ देते हैं। दो चार दिन के बाद फिर इसमें आकर रोपाई का कार्य करेंगे। तो आज यहीं रोपवा के उसके बाद तो इसी खेत को जोतवाने आए हैं। आप सभी देख सकते हैं, अभी ट्रैक्टर मंगवा के अभी जोतवा दे रहे हैं, क्योंकि इसी खेत में पानी लगा हुआ है, पानी भरा हुआ है, इसीलिए जोतवा दे रहे हैं। और पिछले वर्ष भी पानी के अभाव में सब खेत मेरा परती रह गया था, जिस कारण से घास बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जुताई करने में और ज़्यादा मेहनत कर रहा है, इसलिए दो तीन बार जुतवा देते हैं। अभी घास उखड़ेगा, अभी जुतवा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ जुतवाने के बाद चलेंगे घर के नज़दीक वाला खेत, यहाँ पर आज धान की रोपाई शुरू करना है। अभी जुतवा दे रहे हैं यहाँ, उसके बाद निकलेंगे फिर वहाँ, और आज वहाँ भी तो रोपा शुरू करना है। अब लगभग हो गया है जोता हुआ, चलेंगे वहीं गांव में। ये देखिए दोस्तों, हम पहुँच गए घर के नज़दीक वाला खेत में जहाँ आज धान की रोपाई शुरू करना है। आज मेरे घर का पहला धान का रोपाई होना है। ये देखिए मेरे परिवार के लोग यहाँ बिचड़ा उखाड़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि आज रोपाई करना है धान का। यही सब खेत में आज धान का रोपाई होगा। खेत भी तैयार है, बिचड़ा भी तैयार है, इसलिए आज धान का रोपाई शुरू करने जा रहे हैं। या मेरे घर का पहला धान का रोपाई होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।